हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। आज है हमारा डे 9 और देखेंगे आज के दिन क्या चीज़ हम इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया कि हम लोग डेली कुछ ऐसा सीखेंगे जिसमें हम अपनी डेली इंग्लिश स्पीकिंग को सुधार पाएँ। आखिर ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो हम डेली सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं? तो दोस्तों, हमने सीखा अभी तक हैज़, हैव और हैड का यूज़, प्लस विल हैव भी हमने सीखा कि विल हैव और शैल हैव का यूज़ कैसे करते हैं। आज हम इसी के फैमिली की बात करेंगे जिनमें आते हैं हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू के यूजेस। जी हाँ, एग्जैक्टली। आज की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए नहीं कि हम ये सीख रहे हैं, वो इसलिए कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डेली यूज़ में वर्ड्स दोस्तों वो ये वाले होते हैं। हम डेली में जो भी बोलते हैं, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे पढ़ना है, या मुझे जाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, कंपल्शन दिखाने के लिए, नेसेसिटी दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए कि भाई ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे करना ही करना है, या फिर मुझे करना पड़ता है। तो जहां हम किसी चीज़ पे फोर्स करते हैं, वहीं दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं हैज टू, हैव टू एंड हैड टू, राइट। चलिए नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और आती है, वो क्या है दोस्तों? डेली यूज़ में जो हम करते हैं वो तो है ही, यदि मैं अपने दोस्तों से बात करूं या मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स में बात करूं, तो ये एक ऐसा टेंस होता है जो कहलाता तो मोडाल है। जी हाँ, एग्जैक्टली। अभी आजकल जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेंसेस से हटके, मोडाल्स की, राइट। तो सबसे ज़्यादा नेसेसिटी जो पड़ती है वो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू की पड़ती है, जो हम डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। क्लियर? तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम शो करते हैं किसी को कि भाई ये मेरी मजबूरी है, ये मुझे करना ही करना है, तो वहाँ हम ये सब वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी और आगे वाले सेंटेंसेस हम जरूर समझेंगे। तो देखते हैं कैसे इनका यूज़ करते हैं। आइए दोस्तों, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं होते। जो सिंपल सेंटेंस चलते हैं उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव। अब मैं बात करता हूँ कि इन सेंटेंसों की हिंदी क्या होती है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू की। जैसे मुझे आपसे कहना है कि मुझे खाना खाना है, तो मुझे खाना खाना है, जब मैंने आपसे ये कहा तो आपका क्या मतलब हुआ इसमें? इसमें मेरा मतलब ये हुआ कि भाई ये मेरा टाइम है, मुझे खाना खाना है, या फिर मुझे भूख लगी है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ यहाँ पे करेंगे। क्लियर? ऐसे ही मैं आपसे कहूँ उसे अब पढ़ना है, उसे अब पढ़ना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक समय है, ये एक टाइम है जब वो उसके पढ़ने का टाइम है, तो उसे पढ़ना है। वो चाहे कुछ भी कर रहा हो अब उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन ये टाइम उसका पढ़ने का है और उसे पढ़ना ही है। तो यहाँ मैं क्या दिखाऊंगा? कंपल्शन। सेंटेंस में फोर्स दिखाना चाह रहा हूँ, तो जहाँ फोर्स आएगा वहीं हम यूज़ करते हैं इन वर्ड्स का यूज़। हैड टू, हैड टू दोस्तों पास्ट होता है। पास्ट मतलब मुझे ये काम करना पड़ा था या मुझे ये काम करना था। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मुझे ये काम करना था या मुझे ये काम करना पड़ा था, वहां हम यूज क्या करते हैं? हैड टू का यूज। इज इट क्लियर? श्योर? चलिए नंबर वन सेंटेंस हम देखेंगे, आई हैव टू गो नाउ। मैंने आपसे कहा आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है, आई हैव टू गो नाउ। हे कम ऑन मैन, आई कैन नॉट वेट एनी मोर, आई हैव टू गो नाउ। अब मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे अब जाना है। ये हो गया आई हैव टू। आई प्लूरल है, इसलिए हमने दोस्तों यूज किया यहाँ पे हैव टू का, आई हैव टू गो नाउ। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको ध्यान होनी चाहिए, हैज टू, हैव टू और हैड टू के साथ दोस्तों हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लोगों को अक्सर दिक्कत होती है कि सर कैसी फॉर्म यूज करेंगे, तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? तो इसलिए मैंने आपसे कहा आई हैव टू गो। गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। सेकेंड, शी हैज टू राइट अ लेटर, उसे अब लेटर लिखना है। शी हैज टू राइट अ लेटर, उसे लेटर लिखना है। दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, उन्हें स्पीकिंग इंग्लिश करनी है, मतलब उन्हें इंग्लिश बोलनी है। दे हैव टू, दे प्लूरल है, हैव टू, शी सिंगुलर है, हैज टू। दे हैव टू स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। They have to speak English, उन्हें English बोलनी है। He has to eat food, उन्हें खाना खाना है। He has to eat food, eat verb की first form। Joy has to work hard, Joy को कठिन परिश्रम करना है। Is it clear?
सो दोस्तों ये हैं सेंटेंसेस हमारे कौन से, हैज टू, हैव टू और हैड टू के। अच्छा यहाँ मैंने आपके लिए हैड टू का कोई सेंटेंस नहीं बनाया, तो एक सेंटेंस हम हैड टू का बना लेते हैं। मैं आपसे हैड टू के सेंटेंस में कहूं, राधिका हैड टू कुक फूड, राधिका को खाना बनाना था। क्या कहा मैंने? राधिका को खाना बनाना था। तो दोस्तों जब मैंने आपसे ये कहा कि राधिका को खाना बनाना था, तो क्या राधिका ने खाना बनाया? जी नहीं, आपसे हिंदी साफ साफ कह रही है राधिका को खाना बनाना था, इसका मतलब ये हो गया कि राधिका ने खाना नहीं बनाया। तो यही तो सेंटेंस है, जो काम हुआ नहीं था लेकिन करना था, वही तो यूज करते हैं हम हैड टू का। तो सेंटेंस बना राधिका हैड टू कुक फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राधिका को खाना बनाना था, हैड टू कुक फूड, राइट। इसी तरह हैड टू के और भी सेंटेंसेस बन जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि इनके नेगेटिव कैसे बनते हैं। चलिए तो नेगेटिव दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जहां हैज हैव हैड आते हैं वहां पे हम डू डज डिड से नेगेटिव बनाते हैं। क्या करते हैं? डू डज और डिड से नेगेटिव बनाते हैं। यही सेम काम हमें इसमें भी करना है, राइट। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनप्रोफेशनल इंग्लिश मतलब कैजुअल इंग्लिश जो होती है वहां पे हम डू डज डिड का यूज नहीं करते। जैसे सेंटेंस है I have to go now, मुझे अब जाना है। इसको यदि मैं कैजुअल इंग्लिश में बोलूं तो मैं कहूंगा I have not to go now. Hey, sorry man, I have not to go now, मुझे अब नहीं जाना है। Yippee, I have not to go now. तो यहाँ मैंने do not और does not का यूज़ नहीं किया, इसे बोलेंगे कैजुअल इंग्लिश। लेकिन यदि हम प्रोफेशनल इंग्लिश सीख रहे हैं, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े से हमें बोलनी है, हम वहाँ do or does का यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे? सेंटेंस बनेगा I do not have to go now, मुझे अब वहाँ नहीं जाना। I do not have to go now, मुझे अब नहीं जाना, तो हमने do not use किया। Second sentence, sentence था she has to write a letter, उसे letter लिखना है। She does not have to write a letter, तो दोस्तों यहाँ आया does not और यहाँ आया do not, क्योंकि I plural है, she singular है। और हमने सीखा था कि सबके साथ केवल have का use करते हैं, हर जगह हमें have का use करना है, ये सबसे simple है। तो शी डज नॉट हैव टू राइट अ लेटर, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, राइट। क्वेश्चन आता है, यदि आप में से किसी का क्वेश्चन है सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों यूज करते हैं? सर हैव हैज के संग तो हमने बचपन में पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों आपने गलत नहीं पढ़ा था, आपने सही पढ़ा था, लेकिन वो हैज, हैव और हैड के साथ यूज करते हैं, ना कि हैज टू, हैव टू और हैड टू के साथ। दोस्तों इसका रीजन ये है कि यहाँ पे टू आ रहा है, टू टू टू, और जहाँ टू आता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या कहा मैंने? जहाँ टू आता है उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इसीलिए हम चाहें या ना चाहें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी किसी भी सेंटेंस में जहाँ टू आता है। टू के बाद आने वाली वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपके लिए टू प्लस verb first and that's it, right everybody. Chaliye, number next, they do not have to speak English, they do not have to, unhe English nahi bolni hai, nahi aapko to bhaiya seekhni hai, aapko bolni hai lekin unhe English nahi bolni hai. They do not have to speak English, he does not have to eat food, use khana nahi khana hai, wo pehle se kha chuka hai, use khana nahi khana hai, he does not have to eat food. And Joy does not have to work hard. Joy को कठिन परिश्रम नहीं करना है. Joy को कठिन परिश्रम, work hard does not have to नहीं करना है. Joy singular है, इसलिए हमने does not लगाया. I wish कि आपको ये clear हुआ होगा. लेकिन अभी एक और बाकी है, had to. तो हम had to का कैसे बनाएंगे? बहुत simple है दोस्तों. Had to बनाने के लिए हमें do not और does not use नहीं करना. अब हमें यूज करना है डिड नॉट, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. तो सेंटेंस था राधिका हैड टू कुक फूड. अब मैं कह सकता हूं इसको राधिका डिड नॉट, क्योंकि डिड पास्ट होता है इसलिए हमने डिड नॉट लगा दिया. लेकिन डिड के साथ भी हैव ही आएगा. क्या आएगा? हैव. तो सेंटेंस बना राधिका डिड नॉट हैव टू cook food and that's all. Is it clear दोस्तों?
तो ये थे हमारे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के सेंटेंस, जहां हम कंपल्शन दिखाते हैं। आप जब भी कंपल्शन दिखाएंगे आप हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? सो थैंक यू एवरीवन। आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ, एंड यू ऑल हैव टू स्टडी, यू ऑल हैव टू मेक सम मोर सेंटेंसेस ओवर हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू। श्योर? सो गाइज, फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे। मेरा विश्वास है कि आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि कहीं भी कोई चीज़ है, कोई सेंटेंस या कोई वर्ड जो क्लियर नहीं हुआ हो, यू कैन राइट डाउन ऑन माई कॉमेंट बॉक्स, राइट? एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, नमस्कार।